Thank you. सर हाँ भाई ठोके साहब कलम जी कहाँ जरा इधर आए आपके हवाले करके उधर जाऊंगा। एक बात बता दूं, हमारे बीच में आज एक और पत्रकारिता की बड़ी हस्ती मौजूद है, डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे, ट्रिब्यून चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ, और बहुत बातों को दैनिक जागरण अखबार की सेवाएं इन्होंने की हैं, और इंडियन ट्रेडर साहब वर्किंग जर्नलिस्ट के जो एक जो उसकी उसका जो नया नेतृत्व आ रहा है उसके कर्णधार हैं, उसके सितारे हैं। इनसे निवेदन करें थोड़ा अपनी नियमित उपस्थित करते हैं, आज यहाँ आए। एक महत्वपूर्ण बात नेगी जी बता दूँ आपको, हम बंद कमरे में बैठ करके फेडरेशन की पॉलिटिक्स करने वाले नहीं हैं। हम किसी ऐसी हाल में बैठ करके फेडरेशन के नाम पर भाषण करने वाले नहीं हैं। हम 20 लोगों को लेकर के किसी हाल में रैली का नाम दे करके भंग करने वाले नहीं हैं। हम जमीन पर संघर्ष करने वाले हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं 10,000 अखबार कर्मियों की बात आपने की है, जिनको वाकई विभिन्न राज्यों की सरकारें, लेबर कमिश्नर, लेबर डिपार्टमेंट न सिर्फ बेवकूफ बना रहा है बल्कि अखबार मालिकों के दबाव में उनका उत्पीड़न कर रहा है। उनकी लड़ाई को आखिरी अंजाम तक ले जाने का वक्त आ गया है, और आज हम लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। IFWJ के अगले सम्मेलन में जो बहुत जल्द होने जा रहा है, हम फैसला कुल लड़ाई पे उतरने जा रहे हैं, हमारी योजना तैयार है। और माफ कीजिएगा, इस देश में किसी धन्नसा अखबार मालिक की औकात नहीं है कि कोर्ट के आदेशों को धता बता करके कर्मचारियों को उत्पीड़न करेगा। महीने दो महीने और इंतजार कीजिए, बड़ी लड़ाई लड़ी है, परिपक्वता के साथ परिणाम तक पहुंचने का लक्ष्य है, कोई हल्की बात नहीं है। हल्की बात करने वाले बाहर हैं, अब लड़ाई लड़ने वाले भीतर हैं। इसलिए त्यागी नेगी जी भरोसा करिए, दावा करता हूं कि परिणाम लखनऊ नहीं दिल्ली में करेंगे, पूरे देश में करेंगे। और आज ही परमन पांडे जी के नेतृत्व में हम केंद्र के कुछ मंत्रियों से मिलने जा रहे हैं इसी विषय को लेकर के, मजिठिया बेजपोर की सिफारिशों को लागू करने को लेकर के, पत्रकारों को उत्पीड़न को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी समस्या को लेकर के। इसलिए मैंने क्या कहा, ये आपका जोश है, आपका जोश सूरज की तपिश से मजबूत है, बहुत धैर्य रखा है मजिठिया बेजपोर की सिफारिशों को लेकर के वर्षों तक। परमानंद पांडे जी लड़ते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क तक, अब अंजाम का समय आया है। इसलिए निवेदन है कि हड़बड़ी न करें, क्योंकि ये जो अखबार मालिक हैं, ये जो मीडिया घरानों के मुगल हैं, बहुत चालाक हैं, होशियार हैं, पैसे से मजबूत हैं, सिफारिश से मजबूत हैं, जुगाड़ से मजबूत हैं, झूठ बोलने से मजबूत हैं। इसलिए इनको पटकनी देने में थोड़ा वक्त लगता है, फिर भी कह रहा हूँ यकीन करिए वक्त आ गया है। आज इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के 68वें स्थापना दिवस पर हमारे सेक्रेटरी जनरल परमन पांडे जी की मौजूदगी में मैं पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि आज स्थापना दिवस का हमारा एक संकल्प है, मजिठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का मामला अंतिम सोपान में है, परिणाम तक पहुंचेगा। पत्रकारों पर हमले बंद हो, पत्रकारों को उत्पीड़न बंद हो, पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए, ये हमारी मांग है। और इस मांग को लेकर के आज हम शहीद भगत सिंह पार्क में मौजूद हैं, कल हम दिल्ली के किसी भी मुकाम पर, किसी भी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। साथियों, बहुत शुभकामनाएं हमारे IFWJ के सभी कॉमरेड्स और ट्रेड यूनियन पत्रकारों के, ट्रेड यूनियनों के सभी साथी। हमने 70 साल पूरे किए, आज 17वां साल है हमारा, और सबसे बड़ी बात ये रही कि पिछले 2-3 सालों में हमने ये संगठन जो असमय ही बुढ़ापे का शिकार हुआ था, लाचारी का शिकार हुआ था, उस संगठन को हमने कैसे आमूलचूल दुरुस्त करने का काम किया, और फिर से उस संगठन में नई ऊर्जा भरने का काम किया।
और आज यहाँ से साथी बड़े भाई अरविंद सिंह ने अपनी बात रखी थी कि जो नई पीढ़ी आ रही है IFWJ के साथ जुड़ रही है उसको बहुत कुछ प्रशिक्षण देने की बताने की जरूरत है राहुल। आखिर एक ट्रेड यूनियन से हमारी क्या अपेक्षाएं होती हैं और एक ट्रेड यूनियन के साथ हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारा संगठन अब नए और पुरानों का जो संगम है जहां हमें पुराने साथियों का मार्गदर्शन सहयोग गाइडेंस और उनका समय समय पर जो भी सहयोग मिलता है इन सब की मदद से हम लोग जो IFWJ के साथ नए साथी जुड़े नए साथी जो पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं वो अपने काम को संगठन को और आगे ले जाएंगे। नीचे जब इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बनाया था 1955। अब पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य बदल चुका है और वर्किंग जर्नलिस्ट केवल वो प्रिंट मीडियम तक नहीं सीमित है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आ चुके हैं, वेब इसका विस्तार हो चुका है। इसलिए हम लोगों की अब डिमांड है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को पूरी तरह से संशोधित किया जाए और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और वेब के लोगों को ही शामिल किया जाए, उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाए और उनको भी वही बेनिफिट्स मिले जो प्रिंट मीडियम को मिलेंगे, उनके लिए भी वेज बोर्ड बनाया जाए। विशेष तौर पर हम लोगों की डिमांड आज यही है, इसी को लेकर हम जा रहे हैं। और दूसरी मुख्य बात जिसको जैसे तिवारी जी ने कहा है कि हम पत्रकार सुरक्षा के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, ऐसा कदम उठाए जिससे कि जो हमले करने वाले लोग हैं उनके अंदर भीतर से यह डर हो जाए कि हम पत्रकारों पर कभी कोई हमला नहीं करेंगे, ऐसा कदम सरकार उठाने के लिए बाध्य हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। देश में पत्रकारों का जो सबसे बड़ा संगठन है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, आज उसका 68वां स्थापना दिवस है। 68वें स्थापना दिवस पर हमने संकल्प लिया है कि इस देश में पत्रकार सुरक्षा कानून किसी भी शर्त पर लागू होना चाहिए। पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के गृहमंत्री राजनाथ सिंह का, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक एडवाइजरी जारी करके पत्रकारों की सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी पर रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यह नाकाफी है। हमारी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। एशिया में भारत ऐसा पहला देश है जहां पत्रकारों पर उत्पीड़न और हत्या के मामले सबसे ज़्यादा दर्ज हुए हैं। इस मामले में हम कहीं न कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी आगे निकल गए हैं, ये चिंता का विषय है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम अपेक्षा करते हैं कि समाज को आईना दिखाने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दूसरी हमारी मांग है मजीठिया बेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की। अखबारों के मालिक जिद पड़े हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा ऐसे अखबार कर्मी हैं जो भूखे मर रहे हैं, अखबारों से निकाल दिए गए हैं और उनको मजीठिया बेज बोर्ड के हिसाब से तनख्वाहें नहीं मिल रही, मालिक आनाकानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग करेंगे ज्ञापन के जरिए मिल करके बातचीत करके कि मजीठिया बेज बोर्ड की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरीके से लागू किया जाए। सर आज मुलाकात किससे हो? आज हमने कुछ मंत्रियों से समय मांगा है और हम केंद्र के दो मंत्रियों से आज हम मिलेंगे जिनसे मुख्यतः हमारी बात मजीठिया बेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने और पत्रकारों को सुरक्षा सुनिश्चित करने।